बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे अपनी अपनी लाइफ में। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान करे, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपसे जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ बहुत इफ़ेक्टिव है सन टैन के लिए। अब जैसे कि गर्मियाँ अब आने वाली ही हैं तो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डलनेस हो जाती है, पसीने की वजह से आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है। एक ऐसा फेस पैक लेकर आई हूँ जिसके बाद आपकी स्किन यकीन नन इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन पे बहुत ग्लो करेगा, आपकी स्किन को चमकाने वाला है। मैंने 2 स्पून मैंने लिया है जौ का आटा, जौ का आटा बहुत मुफीद है। सेकेंड स्टेप पर मैं इसमें लूँगी 1 स्पून ब्राउन शुगर, ठीक है, हम ब्राउन शुगर ही लेंगे, हम दूसरी चीनी नहीं लेंगे, जो कि वाइट शुगर होती है वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हमने ब्राउन शुगर लेनी है 1 स्पून। 2 स्पून मैंने लिया जौ का आटा, इनके फ़वाद आप सब जानते ही हैं। उसके बाद 3rd इंग्रेडिएंट्स में इसमें ऐड करने वाली हूँ कॉफ़ी, 1 स्पून आपने कॉफ़ी लेनी है, ठीक है, एक छोटा चाय का चम्मच आप कॉफ़ी लेंगे। मैं इसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कर, इसलिए बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाती, आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, इफ़ेक्टिव वीडियो बनाती हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। इसके बाद हम 4th इसमें जो चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन पे बहुत काम करता है, आपकी टैनिंग पे बहुत वर्क करता है, स्किन ग्लो पे बहुत वर्क करता है। उसके बाद इसमें 5th इंग्रेडिएंट ऐसा जाएगा जिसका आपको भी पता है कि उसके बहुत फ़वाद हैं, और जब इसके साथ जौ के आटे के साथ मिलाकर जब हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रिज़ल्ट आने वाले हैं। धूप की वजह से आपकी काली स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ़ सुथरी आपकी स्किन आपको खुद नज़र आएगी। अच्छा, मैंने एक पोटैटो लिया, उसको मैंने उसका छिलका नहीं उतारना, उसको मैंने अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। अच्छे से वॉश करने के बाद देन मैं उसको ग्रेटर में अच्छे से ग्रेट करूँगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ। मैंने इसका जूस निकाल के रखा था। अच्छा, इसका जूस आपने ज़्यादा देर पहले नहीं निकालना, वो ब्लैक हो जाता है, आपने उसी टाइम निकालना है। मैंने पहले ही निकाल लिया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से, मुझे कहीं जाना था। मैंने इसका अभी थोड़ी देर अभी ही तकरीबन जस्ट अभी रेमेडी बनाने से पहले मैंने इसका जूस निकाल लिया था और वो मैंने फिर इसमें ऐड किया। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाए, एक अच्छे से फेस पैक की फॉर्म में आ जाए। इसमें मैंने कोई ऑयल वाली चीज़ ऐड नहीं की क्योंकि हम इसको गर्मियों में लगाएंगे तो गर्मियों में हमारी स्किन, हमारे पोर्स वैसे ही ओपन होते हैं। अगर हम कोई ऑयल या विटामिन ई का कैप्सूल या कुछ भी ऐसा ऐड करेंगे तो उससे हमारी स्किन, उस तरह से हमारी स्किन साफ नहीं होगी जिस तरह से मैं आपको अभी इसकी ऑथेंटिक मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। अच्छा, अपने फेस को वॉश कर लेना है। अगर आप स्कूल गोइंग हैं, स्कूल से आते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जस्ट घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, आप इसको लाजमी से यूज़ करें। आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है कि एक तहसी बन जाएगी, ठीक है, आपकी स्किन पर। देन उसके बाद आपने इसे छोड़ देना है। अगर आप स्कूल से आए हैं, आकर आपने शावर लेना है नमाज़ पढ़ने के बाद, देन आप इसको अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करेंगे, ठीक है। ये आपके फेशियल हेयर्स को भी रिमूव करता है और बहुत मैजिकल रिज़ल्ट हैं इसके। मैं आपसे ऐसे ही कोई रेमेडी शेयर नहीं करती जिसके रिजल्ट्स होते हैं, हमेशा वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बकायदा इसकी रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। आपने इस दौरान आप कुछ ऐसा काम मत कीजिएगा, बात नहीं कर सकते आप, स्किन में इचिंग होगी, आपने रिलैक्स बैठ जाना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद आप जब थोड़े टाइम बाद तकरीबन 10 मिनट तक आपकी ड्राई हो जाएगा, ये हल्का हल्का ड्राई होगा, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई करेंगे तो आपकी स्किन इरीटेट होना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसमें जो है जो आपकी स्किन पर थोड़ा स्टिकी सा हो जाता है। बट हम इस फॉर्म में जब इसको हल्का हल्का रिमूव करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा और टैनिंग ख़त्म करेगा, स्किन को क्लियर करेगा। मैंने एक दफ़ा पूरी इस अपने फेस पे हल्का सा हाथ चला के, ठीक है, देन उसके बाद फिर मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा इसको छोड़ दूँगी, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, आप इस फेस पैक को लगा के इस दौरान में अपना वाटर ड्रिंक करेंगे, ठीक है? आप पानी भी नहीं पी सकते। जब ये थोड़ा सूखना ड्राई होना शुरू हो जाता है, उस मोड पे आपको अपनी स्किन को बिल्कुल इवन एक इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को टाइटनिंग भी देगी। इसके बहुत फ़ायदे हैं, ये फेस पैक बहुत मुफीद है और ये मेरा अपना आजमूदा है। और आपको इससे पहले YouTube पर इसकी रेमेडी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है, ठीक है? आप इसको मैंने अच्छे से जब इसको अप्लाई कर दिया, देन उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ा। छोड़ने के बाद दोबारा मैं इसको हल्के हल्के हाथों से रब करूँगी। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। मेरे हाथ में इतनी डलनेस हो रही थी, आपके फेस पर हो जाती है, आपके आइज़ के इर्द गिर्द हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आपका जो लिप्स के साइड का एरिया है ये सारा आपका ब्लैकिश हो जाता होना शुरू हो जाता है। जब हर वक्त पसीना हमारी स्किन पे रहता है, उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। आपके सामने रिजल्ट्स हैं, मेरे हाथों को इतना इफ़ेक्ट दिया इसने, मेरी स्किन को इतना इफ़ेक्ट दिया कि मैंने आपके साथ इसके रिज़ल्ट शेयर करना लाजमी समझा, ठीक है? यकीन मानिए बहुत मैजिकल रिज़ल्ट हैं। आपसे जितना रिमूव होगा स्मूथली आपने उतना ही रिमूव करना है, कोई अपने हाथों पे जबर नहीं करना। आप इसको वीक में 2 टाइम यूज़ करेंगे। जब आप इसको इस तरह 2 टाइम यूज़ करते जाएंगे तो आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके तमाम जो फेशियल हेयर हैं या आपकी रुआ हाथों में हो जाता है, फेस पर हल्का हल्का हो जाता है, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाएगा। किसी आपको वैक्स वैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह से आपकी स्किन साफ़ होती जाएगी। आप यकीन करिए आपके नकल्स क्लीन होते हैं, आपके फेस में जितना आपका डार्क एरिया है सारा क्लीन हो जाता है। आप इसको अपनी नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड एंड फीट पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए मैंने अपनी स्किन को वॉश किया, देन उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने हैं। है ना कमाल के रिज़ल्ट, मैजिकल रिज़ल्ट हैं, यकीन करिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, क्लियर करेगा। रिज़ल्ट आपके सामने हैं, आप उनसे अपने रिज़ल्ट भी शेयर कर सकते हैं। और आपको किस टाइप की रेमेडी चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है, आप मुझसे कह सकते हैं। उसके बाद हल्का सा हम रोज़ वाटर का एक पंप अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे, देन उसके बाद ईज़ीली आपने जो करना है आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।